हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज मैं शूटिंग करने जा रही हूँ मेरे वीवो 19 में। तो इससे आपको पता चलेगी मेरे फ़ोन की क्वालिटी और क्लैरिटी। और जिन्होंने अब तक मेरा वो V19 का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पे आई बटन पे मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगी, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज बढ़ने वाले हैं अपने कंटेंट की तरफ। बिफोर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दी है। तो आज का टॉपिक है नेल आर्ट के बारे में। तो कौन सी चीज़ें हैं नेल आर्ट के लिए, या कौन से टूल्स हैं जिनसे हम नेल आर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। और कहाँ से वो परचेज करनी चाहिए, कहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेगी, उनकी एक्चुअल प्राइस क्या रहेगी, वो सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसकी लिंक्स जो रहेगी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करके देने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है नेल आर्ट। वैसे देखा जाए तो आज मैंने नेल आर्ट नहीं किया है, क्योंकि नेल आर्ट डिज़ाइन के भी मुझे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आने थे, तो इसीलिए आज मैंने सिंपल सी नेल पेंट लगाई है। आपको अगर मेरे ज्वेलरी के वीडियोस देखने हैं तो ईयर रिंग कलेक्शन का वीडियो ऑलरेडी मैंने एक लॉन्च किया है मेरे चैनल पे, तो अगेन उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में मैंने नेल आर्ट का किट जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, और नेल पेंट्स जो है वो अलग बॉक्स में मैंने रखे हैं सारे शेड्स। नेल आर्ट का किट इस छोटे से पैक में अच्छे से आ जाता है, बिकॉज ज़्यादा चीज़ें नहीं है हमें नेल आर्ट के लिए, तो मैं वन बाय वन वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये है डॉटिंग टूल्स, इन्हें मैं पेंसिल्स भी कहती हूँ, बस इनको लीड नहीं होता है। ये डॉटिंग टूल्स है, इन अलग अलग साइज़ में है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं वो अलग अलग साइज़ में है। ये सबसे छोटा डॉट है सपोज़, तो अगर आपको फ्लावर पेटल्स बनाने हैं, डॉटिंग डिज़ाइन बनानी है, तो इनके लिए ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और कॉम्बिनेशन लिया था मैंने तीन चीज़ों का, तो जैसे ही वो तीन चीज़ें सामने आएगी तो वो सारे का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आपको बताऊँगी कहाँ से परचेज़ किया है और इसकी एक्चुअल प्राइस भी बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़ ये 5 डॉटिंग टूल्स, ये 5 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे भी है और 2 वे है, इसीलिए मैं इसे कहूँगी 10 डॉटिंग टूल्स। तो सबसे पहली ये चीज़। नेक्स्ट, ये तो बहुत काम की चीज़ है, तो 15 ब्रश। सो नेल आर्ट के ये ब्रश है 15, जो मैंने कहा था मैंने तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिया था, तो सबसे पहले वो टूल्स लिए थे डॉटिंग टूल्स, उसके बाद ये 15 ब्रश थे, और तीसरी चीज़ है ये जो हम बाद में देखने ही वाले हैं। तो ये 15 ब्रश कैसे काम करते हैं, जैसे ही मैं नेल आर्ट के डिज़ाइंस आपको बताऊंगी तो आपको पता चलने ही वाला है। लेकिन छोटी सी डिज़ाइन आपको अगर ड्रॉ करनी है तो अलग अलग साइज़ के जो ब्रश है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ ब्रॉड है, कुछ थिन है, कुछ ट्रायंगुलर साइज़ के हैं, तो अलग अलग साइज़ के ये ब्रश होते हैं। तो नेल आर्ट के डिज़ाइन में आपको ये ब्रश का यूज़ भी पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट इज़ नेल आर्ट ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए जो चीज़ हमें काम आती है, उसमें से एक ये है, ये रिंग्स होती है। एक मैं आपको निकाल के बताती हूँ, इसमें बहुत सारी रिंग्स मुझे मिली थी अलग अलग शेड्स में, आपको शेड्स दिखाई दे रहे हैं, दो शायद ख़त्म हो चुकी है और ये 3-4 इतनी सारी बची है, तो 1, 2 and 3, ये तीनों चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी और तीनों की मिला के प्राइस है 270, तो 279 में मुझे ये मिली थी। उसके साथ हम बहुत सारी परचेसिंग करते हैं अमेज़ॉन पे, तो ये फ्री शिपिंग में थी, 279 में मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली थी, ये 10 डॉटिंग टूल्स, उसके बाद ये 15 ब्रश और ये 12 था। मैंने दो चीज़ें निकाल के उसको यूज़ की है, सिल्वर कलर था एक और एक बहुत ही प्यारा सा कॉपर कलर था, बाकी इतनी चीज़ें अभी बाकी है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ, यानी ये स्टिक होता है, बस हमें इसे किनारों पे लगाना है, जो भी नेल आर्ट करना है इस पर हम ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ग्लॉस उसमें रहता है,
तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस में परचेस की थी, इसीलिए मुझे आपके साथ जल्द से जल्द इन्हें शेयर करना। और इसी पैकेजिंग में हमें ये भी मिलता है, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, वाइट कलर होने की वजह से शायद आपको ना दिखे, यहाँ पे एक लगी हुई है। तो इन्हें आप जैसे भी आपके नेल्स पे लगाओगे, उतना पार्ट छोड़ के बाकी जगह पे नेल पेंट लग जाती है। जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहो, तो इसमें से बहुत सारी ख़त्म हो गई है, एक स्टिकर है अभी भी बाकी, तो ये उसी के साथ हमें मिलती है। यानी 270 इज़ वर्थ जितनी भी चीज़ें मैंने बाय की है। तो नेल आर्ट की अगर नेल आर्ट का अगर आपको शौक़ है तो वो 270 बहुत ही बढ़िया प्राइस है। अदरवाइज़ कुछ जगह पे ये बहुत ही महंगी है, जैसे कि शॉपक्लूज़ पे या फिर फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ें बहुत ही महंगी है, तो आप अमेज़ॉन पे देख लीजिएगा। अमेज़ॉन की मैं जो लिंक है बाय लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। नेक्स्ट इज़ ये मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था, ये आप भी लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो, बहुत सारी ख़त्म भी हो गई है। ये छोटे छोटे बीड्स या फिर छोटे छोटे चमकने वाले कुछ डिज़ाइंस होते हैं, हार्ट शेप में, स्पायरल शेप में, कुछ गिटार वगैरह ऐसे कुछ शेप्स होते हैं इनके, तो बस हमने कुछ इस तरह से उनको बाहर निकाल के हमारे नेल, जब हम नेल पेंट का फर्स्ट सेकेंड लेयर लगाते हैं तो उस पर रख देना होता है, और उसके बाद उस पर टॉप कोट हमें लगा देना होता है। तो ये उनके लिए है, ये लोकल मार्केट में भी आपको इजीली बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएंगे। ये कुछ अराउंड दोनों मिला के 60 या 50 में मैंने लिया था, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसकी होती है तो ये बहुत लंबे चलते हैं। तो ये एक नेल आर्ट का अच्छा टूल है जो हमें हमारे नेल्स को बहुत प्यारे से डेकोरेट करता है। एंड लास्ट इज़ अगर हमें शेड्स लगाने हैं हमारे नेल पेंट के, 3-4 नेल पेंट के शेड्स अगर लाइन से लगाने हैं, तो उसके लिए ये स्पंज बहुत यूज़ आता है। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, अब तो मैं क्लब फैक्ट्री से कोई भी चीज़ें नहीं परचेज़ करने वाली, तो ये उस वक्त मैंने ले लिया था क्लब फैक्ट्री में से। बहुत सारे स्पंज यूज़ करके हो चुके हैं, अभी इतने बाकी है, इतना हाफ पॉलीथीन खाली हो चुका है, तो ये वहाँ से मैंने परचेज़ किए थे। शायद अमेज़ॉन पे ये मिल जाए, मैंने सर्च नहीं किया, अमेज़ॉन पे मिल भी जाएंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो अमेज़ॉन पे आपको अगर 100-120 तक मिल जाते तो आप इसे परचेज़ कर लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनका यूज़ कैसे करना है मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बस इतने ही नेल आर्ट थे, ब्रश, डॉटिंग पेंस, उसके बाद वो स्टिकिंग वाला रील, देन दिस स्पंज, एंड वो डेकोरेटिंग जो भी छोटे 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 बीड्स थे वो। बस ये बॉक्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जितनी भी चीज़ें नेल आर्ट के लिए चाहिए वो सारी इसमें कवर हो रही है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो बस ये एक बात बतानी थी, ये मैंने डीमार्ट से परचेज़ की थी, छोटा सा कंटेनर है, ये बहुत काम आता है, क्योंकि नेल आर्ट की डिज़ाइन जब मुझे करनी है, सपोज़ रेड शेड मैंने बेस में लिया है और उसके ऊपर मुझे ग्रीन शेड से डिज़ाइन बनानी है, तो ग्रीन शेड के 2-3 ड्रॉप्स मैं इसमें ले लेती हूँ, साइड में थोड़ा वाइट शेड का भी ड्रॉप्स मैं ले लेती हूँ, और जो भी ब्रश या डॉटिंग पेन से मुझे डिज़ाइन बनानी है वो मैं यहाँ से लेके वो डिज़ाइन बनाती जाती हूँ। क्योंकि आप अगर नेल पेंट में डायरेक्ट आपका ब्रश डुबोगे तो वो बाकी की नेल पेंट ब्रश को लग के आती है, तो वो साफ़ करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और उससे नेल पेंट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इसलिए आपके जो भी नेल आर्ट का किट रहेगा उसमें आपको ये छोटा सा जो कंटेनर है वो रखना है। ये मैंने डीमार्ट से परचेस किया था, आप किसी भी लोकल शॉप से परचेस कर सकते हो और इसे आपके इस बॉक्स में रख सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेल्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। क्या रहेंगे इसके डिज़ाइंस, इसका वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगी, बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बार ऐसे होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन उसे ऐसे ही छोड़ देते हो बेल आइकॉन दबाए बिना। बेल आइकॉन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि मैं नया वीडियो लॉन्च किया है या नहीं किया है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको बेल आइकन भी दबा देना है। साथ ही मैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, इसे कमेंट किया कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए। तो बस ये 3 चीज़ें करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपको आगे ब्यूटी, रेसिपी, इंफॉर्मेशनल या फिर एंटरटेनिंग कौन से वीडियोस चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।